हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे टार्जन सीरीज की एक और डिफरेंट मूवी, जहां कुछ लोग एक ऐसे मीटियोराइट को खोजने जाते हैं जिसने धरती से डायनासोर का खात्मा कर दिया था। तो मूवी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक पहाड़ के साइज का मीटियोराइट धरती की तरफ बढ़ रहा है और देखते ही देखते पूरे प्लेनेट से लाइफ का नामोनिशान मिटा देता है। यहां से सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट डे में आता है, जहां हम ग्रेस्टोक कंपनी के मालिक जॉन को देखते हैं। पता चलता है कि वो एक साइंटिस्ट जेम्स के साथ मिलकर उस मीटियोराइट को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ यहाँ उसकी फैमिली भी आई है, जिसमें वाइफ एलिस के अलावा उनका बेटा जॉन जूनियर भी है। उनके बहुत कोशिश करने पर भी वो उस मीटियोराइट तक नहीं पहुँच पाते, जो जंगल के किसी रहस्यमय कोने में छुपा हुआ है। और जॉन इसे एक मिथ समझकर फाइनली इस पूरे रिसर्च को बंद करने का फैसला लेता है। जेम्स उसे समझाता है कि ये सब कहानियाँ नहीं बल्कि सच है, और इस मीटियोराइट से वो अनलिमिटेड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जॉन उसे भी वापस अपनी फैमिली के पास जाने को कहता है, लेकिन जेम्स कहता है कि वो यहीं रुककर इस पर और रिसर्च करना चाहता है, और वो उसे वहीं छोड़कर निकल जाते हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर में गुरिला क्लैन को देखते हैं, जिनका लीडर एक कार्चेक नाम का गुरिला है, जो अपनी वाइफ केला और बेटे के साथ रहता है। एक दिन टबलेट नाम का गुरिला उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है ताकि क्लैन का लीडर बन सके, लेकिन कार्चेक की ताकत के आगे नहीं टिक पाता। कार्चेक उसे जिंदा छोड़ देता है, लेकिन वो धोखे से उस पर पीछे से हमला करता है और उसे मारकर खुद क्लैन का लीडर बन जाता है। सब गुरिला ये देखकर बहुत दुखी होते हैं, लेकिन कोई टबलेट का सामना करने की हिम्मत नहीं दिखा पाता। इधर वापस जाते हुए जॉन के हेलीकॉप्टर में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिससे कोर्स चेंज होकर वो जंगल के एक अनजान हिस्से में आ जाते हैं। पायलट किसी तरह हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करता है, और तभी जॉन की नज़र उस मीटियोराइट पर पड़ती है जो अब तक उनकी नजरों से छुपा हुआ था। वो समझ जाता है कि जेम्स सच बोल रहा था और तुरंत पायलट को नीचे उतारने को कहता है। पायलट और फैमिली को वहीं छोड़कर वो अकेला ही इसे चेक करने जाता है और एक संकरे रास्ते से होता हुआ आगे बढ़ता है। वहाँ उसे केव से कुछ रोशनी आती दिखती है, और अंदर जाने पर वो बीच में लटक रहे उस मीटियोराइट को देखता है। वो एक कुल्हाड़ी की मदद से उसका एक छोटा टुकड़ा तोड़ता है, लेकिन तभी वो मीटियोराइट चमकने लगता है और देखते ही देखते वो गुफा ढहने लगती है। वो उस टुकड़े को लेकर बाहर की ओर भागता है, जहां रास्ते में उसे एलिस मिलती है। इससे पहले कि वो निकल पाए, सामने बना एक वोल्केनो एक्टिव हो जाता है और वो लोग किसी तरह उसे बचते हुए हेलीकॉप्टर तक आते हैं। इधर हम जंगल में देखते हैं कि केला का बेटा खेलते वक्त एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और वो उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती। अचानक वहाँ मौसम बदल जाता है और जॉन को लगता है कि ये शायद इसी टुकड़े की वजह से हो रहा है। तभी उनके हेलीकॉप्टर पर बिजली गिरती है और वो एक पहाड़ी में क्रैश हो जाता है। केला भी हेलीकॉप्टर को क्रैश होते हुए देख लेती है और अगली सुबह वहाँ चेक करने जाती है। पता चलता है कि इस क्रैश में जॉन के बेटे को छोड़कर बाकी सब मारे गए हैं, और केला उसे अकेला देखकर अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह आँख खुलने पर जॉन खुद को जंगल में पाता है, जहाँ उसे केला दिखाई देती है और खुद को गोरिलास के बीच देखकर वो डर जाता है। टबलेट को भी उसका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन केला अपने बेटे की तरह उसे प्रोटेक्ट करती है। उदास जॉन खुद को बहुत अकेला फील करता है, लेकिन फिर गुरिला के बाकी बच्चों के साथ घुल मिल जाता है। जल्दी ही काफी टाइम बीत जाता है, जहाँ हम उसे बड़ा होते हुए देखते हैं और पता चलता है कि जंगल अब उसे टार्जन के नाम से जानता है, यानी एक बिना बालों वाला गोरिला। वो वहाँ जानवरों से काफी चीजें सीखता है और जल्दी ही उनकी भाषा भी समझने लगता है। एक दिन ऐसे ही जंगल में घूमते हुए उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, और जाकर देखने पर उसे वहाँ कुछ इंसान नजर आते हैं। पता चलता है कि ये कुछ टूरिस्ट हैं जो यहाँ सफारी करने आए हैं, और इनका ऑपरेटर वही जेम्स नाम का साइंटिस्ट है जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। वो अपनी बेटी जेन के साथ मिलकर कुछ पैसे कमाना चाहता है ताकि मीटियोर ढूंढने की रिसर्च पर काम कर सके। टार्जन भी उनका पीछा करते हुए उनके कैंप तक आता है, जहाँ वो देखता है कि जेन और उसके डैड कुछ बात कर रहे हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि जेन शहर में अपनी मॉम के साथ रहती है और बस अपने डैड से मिलने यहाँ आई है। टार्जन अपने जैसे ही लोगों को देखकर बहुत एक्साइटेड होता है और पूरी रात वहीं पेड़ पर गुजारता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जेम्स इन टूरिस्ट को जंगल की सैर पर ले जाता है, जहाँ एक लड़के के पीछे एक बड़ा सा पक्षी पड़ जाता है। जेन उसे बचाने के लिए उस पक्षी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, लेकिन इससे वो खुद उनके बीच फंस जाती है। तभी वो किसी को एक एक करके उन पक्षियों को वहाँ से हटाते हुए देखती है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, झाड़ियों में छुपा हुआ एक सांप उसे काट लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। टार्जन उसकी जान बचाने के लिए उसे उठाकर अपनी गुफा में ले आता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी और जैन की बॉडी में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। फिर वो कुछ पत्तियों से उसके घाव को ठीक करता है, जिससे जैन को होश आ जाता है। वो टार्जन की एक हल्की सी झलक देखती है, लेकिन जहर के असर से फिर बेहोश हो जाती है। सुबह जैन किसी तरह वापस अपने कैंप में आती है, जहाँ जेम्स उसे बताता है
है कि वो पूरी रात उसे ढूंढ रहा था। यहाँ जेन उसे अपने मददगार के बारे में बताती है, लेकिन कहती है कि उसे नहीं पता कि वो कोई इंसान था या गोरिल्ला। फिर जेम्स उन लोगों को वापस छोड़ने जाता है और जाते हुए जेन अपने मददगार के लिए कपड़ा वहाँ फेंकती है। आगे हम टार्जन को देखते हैं जिसके मन में हजारों सवाल चल रहे हैं कि आखिर वो कौन है और यहाँ तक कैसे पहुँचा। तभी उसे एक जगह वो क्रैश हेलीकॉप्टर दिखता है और चेक करने पर उसे अपनी फैमिली फोटो मिलती है। यहाँ उसे एक चाकू और वो मीटियोर का टुकड़ा भी पड़ा हुआ मिलता है और वो इन सब चीजों को अपनी गुफा में ले आता है। आगे का सीन काफी टाइम बाद का है जहाँ हम देखते हैं कि टबलेट उसकी चीजों से छेड़खानी कर रहा है। यहाँ वो गलती से हेलीकॉप्टर का इमरजेंसी बीकन एक्टिवेट कर देता है, लेकिन तभी टार्जन वहाँ आकर उसे भगा देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर ग्रेस्टोक कंपनी के हेडक्वार्टर में आता है जहाँ पता चलता है कि विलियम नाम का आदमी अब वहाँ का नया डायरेक्टर है। उसका मैनेजर उसे उस बीकन के बारे में बताता है जो इतने सालों बाद अचानक से एक्टिव हुआ है। विलियम तुरंत एक मीटिंग बुलाता है और सबको बताता है कि वो लोग जोन की अधूरी खोज को पूरा करने वाले हैं, क्योंकि अगर वो मीटियोर उन्हें मिल गया तो उसके अनलिमिटेड एनर्जी से वो बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। यही हम जेन को भी देखते हैं जो जानवरों को बचाने वाले एक अफ्रीकन एनजीओ में काम करती है और यहाँ विलियम से कुछ डोनेशन मांगने आई है। विलियम को भी लगता है कि शायद ये एक अच्छा कवर रहेगा ताकि मीडिया और उसके कॉम्पिटिटर्स उसका असली मकसद ना जान पाए। जल्दी ही वो अपने एसोसिएट स्मिथ और जेन के साथ उसके डैड के कैंप की ओर निकल पड़ता है। जंगल में टार्जन भी उस हेलीकॉप्टर को कैंप की तरफ जाते हुए देखता है और जल्दी ही खुद भी वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ वो जेन को देखता है और तुरंत उसे पहचान जाता है। रात को वो छुपकर जेन के टेंट में जाता है और वहाँ रखी चीजों को यूज करके देखता है। तभी जेन वहाँ आ जाती है और इससे पहले कि वो उसे देख पाए टार्जन वहाँ से चला जाता है। इधर हम जेम्स को देखते हैं जो विलियम के असली इरादों को भांप जाता है और उसे वॉर्न करता है कि मीटियोर को ढूंढने में बहुत खतरा है और कहीं ऐसा ना हो कि उसका हाल भी जोन जैसा हो जाए। लेकिन विलियम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो उसे और उसकी बेटी को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जेन को भी स्मिथ से विलियम की असलियत का पता चल जाता है और उसे लगता है कि उसके डैड भी इसमें मिले हुए हैं। वो नाराज होकर जंगल की ओर चली जाती है जहाँ एक चट्टान फिसलने से वो नीचे नदी में गिर पड़ती है। टार्जन जो उसे फॉलो कर रहा था उसके पीछे नदी में कूदता है और उसे ढूंढता हुआ एक बीच तक आता है। वहाँ वो देखता है कि एक मगरमच्छ बेहोश पड़ी जेन की तरफ बढ़ रहा है और वो तुरंत उसे बचाने जाता है। इससे पहले कि मगरमच्छ जेन को खा पाए टार्जन वहाँ आकर उसे रोक लेता है। उन दोनों में एक खतरनाक लड़ाई होती है जहाँ दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं, लेकिन एंड में टार्जन अपने चाकू की मदद से उसे मार डालता है। जल्दी ही जेन को होश आ जाता है और टार्जन को देखकर वो समझ जाती है कि पिछली बार उसे बचाने वाला यही था। जेन देखती है कि वो ज्यादा वर्ड नहीं बोल पाता, लेकिन किसी तरह वो एक दूसरे को अपना नाम बता देते हैं। टार्जन उसे जंगल की सैर करवाता है और ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। आगे टार्जन उसे अपने शेल्टर में ले जाता है और अपना प्यार दिखाने के लिए उसे वो मीटियोराइट का टुकड़ा गिफ्ट करता है। तभी जेन को ढूंढते हुए विलियम और जेम्स भी वहाँ आ जाते हैं और टार्जन को देखकर विलियम समझ जाता है कि ये जरूर ग्रेस्टोक का ही बेटा है जो किसी तरह उस क्रैश से बच गया है। उसे पता है कि ग्रेस्टोक कंपनी का असली वारिस यही है और अगर ये वापस आ गया तो ये कंपनी उसके हाथों से चली जाएगी। ये सोचकर वो टार्जन को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जेन उसे बचाकर वहाँ से ले जाती है। विलियम उनका पीछा करता है और वो उससे बचते हुए जंगल के एक ऐसे हिस्से में आ जाते हैं जो देखने में किसी दूसरी दुनिया जैसा है। पता चलता है कि हजारों सालों से निकलती मीटियोर की एनर्जी ने यहाँ के एनवायरनमेंट को बिल्कुल बदल दिया है, जिससे यहाँ कुछ अजीब और खतरनाक जीव पैदा हो गए हैं। तभी पेड़ों से निकली कुछ आदमखोर बेले उन्हें पकड़ लेती हैं और एक मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला जीव उन्हें मारने की कोशिश करता है। टार्जन चाकू की मदद से किसी तरह जेन और खुद को बचा लेता है और वो लोग तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हुए वो लोग उसी गुफा में आते हैं जहाँ वो मीटियोराइट रखा हुआ है और टार्जन को यहाँ अपने डैड की पुरानी कुल्हाड़ी मिलती है। जेन भी समझ जाती है कि यही वो जगह है जहाँ ग्रेस्टोक और उसकी फैमिली मारे गए थे और टार्जन असल में उनका बेटा जोन ही है। तभी अचानक वो राइट चमकने लगता है और वो दोनों डर कर वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। आगे टार्जन उसे अपनी मॉम से मिलवाता है, लेकिन टबलेट एक और इंसान को वहाँ देखकर बहुत नाराज होता है। वो टार्जन को मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन टार्जन की ताकत के आगे नहीं टिक पाता और उसे हरा कर टार्जन क्लैन का नया लीडर बन जाता है। जेन उसे कहती है कि उसके डैड उसे ढूंढना नहीं छोड़ेंगे और इससे गोरिल्ला क्लैन को खतरा हो सकता है, इसीलिए वो टार्जन को उसे वापस कैंप में छोड़ने को कहती है। कैंप में विलियम की नजर उस टुकड़े पर पड़ती है और वो उसे जेन के गले से निकाल लेता है। ये देखकर टार्जन उसे बचाने आता है
लेकिन विलियम, जिसे शायद इसी मौके की तलाश थी, उसे शूट करने लगता है। तभी उनका पीछा करती हुई केला भी वहाँ आ जाती है और इससे पहले कि टार्जन उसे रोक पाए, विलियम केला को शूट कर देता है। फिर वो जेन के साथ साथ टार्जन को भी कैद कर लेता है, लेकिन रात को कुछ गुरिल्ला उसे छुड़ा लेते हैं और टार्जन केला की बॉडी लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे विलियम जेन से कहता है कि अगर वो उन्हें मीटियोर तक नहीं ले गई तो वो टार्जन और उसके गैंग को मार डालेगा और डर कर जेन उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। इधर टार्जन देखता है कि केला भी जिंदा है और वो उसके घाव को ठीक करने लगता है। तभी उसकी नजर विलियम के हेलीकॉप्टर्स पर पड़ती है जो जेन के साथ मीटियोर की तरफ जा रहे हैं। वो भी उनके पीछे जल्दी ही वहाँ तक पहुँच जाता है और देखता है कि विलियम ने वहाँ पूरा बेस बना लिया है। पता चलता है कि विलियम उस पूरी जगह को ब्लास्ट करने वाला है और जेन और उसके डैड भी अंदर ही कैद हैं। टार्जन किसी तरह छुपता हुआ गुफा के अंदर जाता है, जहाँ वो गार्ड को बेहोश करके जेन और उसके डैड को छुड़ा लेता है। वहाँ वो दोनों विलियम को रोकने जाते हैं और जेम्स बॉम्ब की केबल काटने के लिए वहीं रुक जाता है। विलियम भी देखता है कि डेटोनेटर काम नहीं कर रहा है और तभी उसे टार्जन और जेन दिखते हैं। वो समझ जाता है कि ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है और इससे पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए, टार्जन आवाज देकर जंगल के अपने साथियों को बुला लेता है। विलियम और उसके आदमी उनका मुकाबला नहीं कर पाते और टार्जन विलियम को पकड़ लेता है। तभी अचानक वहाँ जमीन फटने लगती है और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। जेन को अपने डैड की याद आती है जो अभी भी नीचे गुफा में फंसे हैं, लेकिन वो उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती। विलियम जान बचाकर एक हेलीकॉप्टर में वहाँ से भागने लगता है, लेकिन टार्जन उसे रोकने के लिए एक बड़े पत्थर को उनकी तरफ फेंकता है। पत्थर लगने से हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे खाई में गिरकर क्रैश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो गया है और टार्जन जेन को लेकर अपने क्लैन के पास आता है। वहाँ वो केला को देखते हैं जो अब बिल्कुल ठीक है और जेन को मिलकर बहुत खुश होती है। जेन टार्जन का जंगल के लिए प्यार देखकर खुद भी वहीं रहने का फैसला करती है और कहती है कि वो दोनों मिलकर यहाँ की हिफाजत करेंगे। एंड सीन में हम देखते हैं कि जेम्स किसी तरह वहाँ से बच गया है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा मीटियोर का टुकड़ा है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।